हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी को लीटर में कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। गोलू की डेयरी का शुद्ध दूध इतना लोकप्रिय हो गया है कि उसकी डेयरी पर रोज लंबी लाइन लगी रहती है। उसे हर ग्राहक को अपने एक लीटर के दूध नापने के पैमाने से दूध नाप कर देने में काफी समय लग जाता है। गोलू सोच रहा है कि वो कम से कम समय में अपने ग्राहकों को दूध कैसे बेच सकता है। तभी गोलू को एक युक्ति सूझी। गोलू ने सोचा कि क्यों ना वो अलग अलग क्षमताओं कैपेसिटीज की बोतलों और कैंस को पहले से भर ले। ऐसा करने से वो अपने ग्राहकों को बहुत तेजी से दूध बेच पाएगा। गोलू के पास ये दो आकारों की बोतलें और ऐसे बड़े कैन हैं। गोलू ने पहले इस आकार की एक बोतल ली। उसने अपने एक लीटर के दूध नापने के पैमाने से उस बोतल में दूध उंडेला। एक लीटर दूध उंडेलने के बाद वो बोतल इतनी भर गई। अब गोलू ने अपने दूध नापने के पैमाने से एक और लीटर दूध उस बोतल में उंडेल दिया। इस बार बोतल पूरी तरह से भर गई। बच्चों, अब क्या आप बता सकते हैं कि इस बोतल की क्षमता कैपेसिटी कितने लीटर हुई? बिल्कुल ठीक, इस बोतल की क्षमता कैपेसिटी 2 लीटर है। गोलू ने तुरंत उस आकार की सारी बोतलें भर ली और उन पर इस तरह से 2 लीटर L के नाप का स्टिकर लगा दिया। अब गोलू ने इस आकार की एक बोतल ली और उसे अपने 1 लीटर के दूध नापने के पैमाने से भरना शुरू कर दिया। बोतल में 1 लीटर दूध उंडेलने पर बोतल इतनी भर गई। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बोतल की क्षमता कैपेसिटी कितने लीटर होगी? इस बोतल की क्षमता कैपेसिटी 1, 2, 3, 4 और 5 5 लीटर है। गोलू ने तुरंत इस आकार की सभी बोतलों पर 5 लीटर का स्टिकर लगा लिया। अब गोलू ने अप्पू जैसे बड़े ग्राहकों के लिए इस तरह के कैन की क्षमता को अपने 1 लीटर के दूध नापने के पैमाने से नापना शुरू किया। 1-1 लीटर करके 5 लीटर दूध उंडेलने पर कैन इतना भर गया। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 लीटर दूध से कैन इतना भर गया तो इस कैन की क्षमता कैपेसिटी कितने लीटर होगी? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 6, 7, 8, 9 और 10 लीटर दूध उंडेलने पर कैन पूरी तरह भर गया। इसलिए कैन की क्षमता कैपेसिटी 10 लीटर है।
अब गोलू ने इन कैंस पर 10 लीटर के स्टिकर लगा लिए और खुशी खुशी अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी को लीटर में कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे।